हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो द वेट इज फाइनली ओवर। तो मैंने हाँ एक नया बाइक खरीद लिया है। नया बाइक तो नहीं खरीदा है, मैंने सेकेंड हैंड बाइक खरीदा है और वो बाइक के बारे में आपको बता दूंगा। तो पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने सेकेंड हैंड बाइक क्यों खरीदा। सो थिंग इज दैट अगर मैं नया बाइक खरीदता, समझो मैं R15 V3 खरीदता या Duke 390 खरीदता या दूसरा कोई भी बाइक खरीदता, तो उसमें मैं प्रॉपरली वीडियोस नहीं बना सकता था। मतलब Duke 390 देखो, उसमें सब कुछ है पहले से ही। R15 V3 देख लो, उसमें भी सब चीज़ें हैं पहले से ही। बट थिंग इज दैट RS में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, उसमें ऐड करना था, बट वो तो चली गई। मैंने एक ऐसा बाइक खरीदा है जो ऑलमोस्ट सभी इंडियन के पास है। वो बाइक में वीडियो बनाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जब भी मेरे पास एक्टिवा था तो एक्टिवा के जो यूज़र्स है बहुत सारे जनते, तो मैं उन लोग से कनेक्ट कर पाता था अच्छे से। फिर पल्सर RS 200 में कैसा था, बहुत कम लोग के पास Pulsar RS 200 था और फिर इतना ज़्यादा मतलब ऑडियंस नहीं थी Pulsar RS 200 के लिए, तो भी मैंने अच्छा खासा वीडियोज़ बनाया उस पर। बट ये बार मैंने एक बाइक खरीदा हुआ है, पल्सर ही खरीदा हुआ है। मैंने बोला था कि मैं पल्सर नहीं खरीदूंगा अभी से, बट देन मैंने सोचा कि जाने दो, पल्सर अच्छा है। दोस्तों का मैंने NS चलाया, RS चलाया, तो बाद में पता चला कि अगर पल्सर को स्टार्टिंग से आप अच्छा रखोगे तो वो अच्छा रहेगा, बाद में वो फिर वाइब्रेशन देना स्टार्ट कर देगा। अगर सिर्फ भगाओगे फिर वो वाइब्रेशन देना स्टार्ट करेगा। एक NS ऐसा गाड़ी है जिसमें वाइब्रेशन बहुत कम देखा है मैंने, क्योंकि उसमें पार्ट्स कम है। मतलब आगे थोड़ा बजिंग साउंड है, वो फेयरिंग का बजिंग साउंड आता है, आगे का जो विंडशील्ड है उधर बजिंग साउंड है, बट इतना ज़्यादा बजिंग साउंड नहीं है एज़ कम्पेयर टू RS। बस बता देता हूँ, मैंने अपना RS 200 बेचा था 40,000 में, वही कंडीशन में, पूरा खुला हुआ था, वही कंडीशन में बेचा था। और अभी मैंने खरीदा NS 200 40,000 में। बट थिंग इज दैट ये गाड़ी का कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू RS भी। ये गाड़ी का कंडीशन अच्छा है, पावर भी बहुत ज़्यादा सही है। सर कम से कम कितना साल हो गया, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो गया ये गाड़ी को कम्प्लीट हुए, तो भी इसका पावर इतना ज़्यादा अच्छा है। यू कैन पॉप अप रियली गुड व्हीलीज और 100 तक तो ऐसे हंसते हंसते चली जाती है। ये मेरा है पल्सर NS 200 ब्लैक कलर का है और यहाँ पे देख सकते हो पूरा एकदम कंडीशन, आप देख सकते हो कि कंडीशन एकदम ज़्यादा सही है, कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं है गाड़ी में। एक दो प्रॉब्लम्स है, ये थोड़ा लेग गार्ड हिल रहा है क्योंकि इसका स्क्रू निकल चुका है। एक दो प्रॉब्लम्स जैसे कि ये साइड लाइट थोड़ा हिल रहा है और एक दो मीटर के प्रॉब्लम्स है। मीटर में प्रॉब्लम क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो समझो मैंने मीटर ऑन किया, ये जो RPM का काटा है थोड़ा मतलब अटक के ऊपर जा रहा है। वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम था पल्सर NS 200 के 2013-14 मॉडल, बट अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो शायद मीटर में को चेंज करना पड़े। और एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बेली भी नहीं है, तो बेली लगाने का भी प्लान चल रहा है मेरा। इसका कंडीशन जो है अच्छा है, ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। टायर्स भी देख सकते हो, टायर एकदम ज़्यादा नए लगा है। उसने बोला था कि जनवरी में उसने टायर लगा हुआ, आप देख सकते हो एक हाथ मेरा आराम से घुसता है टायर में। ये टायर का नया सेट है और बारिश का टाइम है और मेरे को टायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, देख सकते हो आप टायर भी नया है। इसलिए मैंने सोचा इसका कंडीशन के हिसाब से मैंने सोचा कि ये बाइक मुझे लेना ही चाहिए, क्योंकि गाइस ये फर्स्ट ओनर व्हीकल है। बट ट्रांसफर इसके लिए मैंने सब दे चुका हूँ, क्योंकि अभी मुझे कोई भी अपना व्हीकल सेल नहीं करना है, क्योंकि पहले जो था RS 200 मैंने अपने पेपर नाम पे नहीं किया था, तो घड़ी घड़ी मेरे दिमाग में ख्याल आता था बेच दूँ। बट ये बार मुझे ये व्हीकल बेचना नहीं है, क्योंकि बेचने के बाद मालूम करता है कि कितना दुख होता है, और आप लोगों को तो मेरे से भी ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी कोई भी व्हीकल हो नहीं बेचने वाला। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि रैप लगाना बाकी है, गियर इंडिकेटर लगाने का थोड़ा प्लान चल रहा है। अभी मैं आपको इसका एक छोटा सा वॉक अराउंड दिखा देता हूँ, क्योंकि देख लो कैसा है इसका कंडीशन। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैं और क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशंस करूँ, क्या क्या मैं परफॉर्मेंस पार्ट डाल सकता हूँ। आपने अगर कुछ NS में आपके मॉडिफिकेशंस क्या रहेगा तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो और लेट मी नो। साइकिल मैंने कल खरीदा था, मतलब परसों खरीदा था, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो कल बहुत ज़्यादा बारिश था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज बारिश नहीं है बट आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पसीना भी आ रहा है बहुत। अभी व्लॉग्स तो आएंगे, देखते हैं, अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो शायद मैं राइड्स प्लान करूँ। मॉडिफिकेशन के ऊपर तो पक्का आने वाले, बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं मेरे दिमाग में। कम 10-20 वीडियोज़ मेरा रिमेनिंग था वो RS 200 के ऊपर, इसलिए मैंने सोचा कि एक सेकेंड हैंड बाइक लेता हूँ, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं ये चीज़ के ऊपर। क्योंकि नया बाइक लेगा तो फिर मुझे भी पसंद नहीं आएगा कि मैं ये खोल रहा हूँ वो खोल रहा हूँ, और एक्टिवा को भी मैं कम से कम 1-1.5 साल के बाद ही मैंने कुछ मॉडिफिकेशन स्टार्ट किए थे, इसलिए सोचा मैंने कि ये बाइक खरीदता हूँ। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को ये मेरा डिसीजन कैसा लगा। वही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू व्हाट यू लव, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और हाँ प्लीज सजेस्ट मी अ नेम ऑफ दिस मोटरसाइकिल, एक नाम रख देते, कमेंट करके बताइए कि क्या नाम रखना चाहिए।